अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा इस वीडियो में आपसे AMU MCA 2024 के बारे में। दोस्तों इसमें कितने नंबर पे आपका टेस्ट निकल जाएगा आगे आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर दोस्तों पहुँचें। पेपर इसका बिल्कुल आ चुका है, आज 24th of May है एंड योर एग्जामिनेशन इज़ ऑन 27th of May। सो आई होप यू ऑल हैव बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, क्योंकि आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है एडमिशन AMU के अंदर। कोर्स काफ़ी बढ़िया है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, आपका टेस्ट निकल गया, आपने बढ़िया से कोर्स पास कर लिए, देन मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया नौकरी आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर का ज़माना हर जगह है, बहुत बढ़िया से आप निकल जाओगे, लेकिन ध्यान है अच्छे से पढ़ना पड़ता है, अच्छे से टेस्ट आपको अपना कोर्स भी पास करना पड़ेगा। दोस्तों एक दिक्कत आपके माइंड में चल रही होगी, कितना नंबर स्कोर करें ताकि ये टेस्ट आपका निकल जाए, क्योंकि पेपर अगर आप देखें 2023 का तो 50 नंबर दोस्तों आपका फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स, तो वो लगभग 40% मतलब 80% पेपर है, 40 सवाल जो हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल आपको सवाल हैं सॉल्व करने वाले हैं और पेपर के प्रेशर में सॉल्व करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है, वो आसान पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा दोस्तों पार्ट जो कंप्यूटर वाला पार्ट है CS वहाँ दोस्तों वो पार्ट में भी कई सवाल आपको ऐसे आए थे जो मतलब प्रोग्रामिंग वाले सवाल होते हैं, कुछ सवाल आसान भी आए थे, जो कि 10-12 सवाल तो आसान रहते ही रहते हैं, उनको छोड़ दें, लेकिन ये वाला पार्ट थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा ये स्कोरिंग पार्ट होता है, यहाँ पर आपको स्कोर करना ही करना है ठीक ठाक, लेकिन इसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। जब भी आप ऐसे नहीं कि थ्योरी है तो आप जो तुक्का मारोगे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको एक जो है ना एक भ्रम होता है इंसान के माइंड में कि यार ये तो थ्योरी वाला है, तो इफ़ आई मेक गैसेज देन माई गैस विल ऑलवेज बी करेक्ट, लेकिन ये एक जो है डाउट, बल्कि आपको ये मिसकंसेप्शन है आपका। यहाँ भी आपको सही करने के लिए पढ़ना पड़ता है, कुछ सवाल लंबे लंबे भी थे, उनमें सवाल पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, फिर सही आंसर भी आपको चूज़ करना होता है। तो पेपर का जो आपके डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बड़ा सही होता है, ऐसा नहीं है कि आपको लगे हलवा है और आप उसको कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीट 260 हैं, आधी जाएंगे लगभग इंटरनल को एंड हाफ फॉर योर एक्सटर्नल स्टूडेंट। दोस्तों एक्सटर्नल को एक्स्ट्रा माइल जाना होता है टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कितने नंबर आपको यहाँ पर कम से कम स्कोर करना होंगे। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं, दोस्तों जनरल कैंडिडेट हैं, मेरे ख्याल से आपको जो टारगेट मार्क्स आपके होने चाहिए, दोस्तों इन माई ओपिनियन अगर आप समवेयर 47-50 के बीच में पहुंच जाते हैं ना कैसे करके, और अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट में 25-30 आपको स्कोर करना ही करना है। यू जस्ट डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट स्कोरिंग अराउंड 25-30 मार्क्स इन CS सेक्शन, जब भी आप दोस्तों वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके अलावा क्योंकि दूसरा वाला पार्ट सारा आपको सॉल्व करने वाला है, यहाँ तक अगर आप पहुँच जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सेफ जोन में आ चुके हैं, आप आराम से सबसे क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अगर आप OBC हैं, दोस्तों जनरल मतलब एक्सटर्नल OBC दोस्तों हैं, अगेन अगर आप 44-47 के बीच में अगर आप स्कोर कर पाते हैं देन मेरे ख्याल से आप आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था बात दोस्तों एक्सटर्नल के बारे में। दोस्तों अगर आप ST कैटेगरी के अंदर हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको 40 नंबर तक पहुँच जाएंगे, आप 40-42 तक पहुँच जाते हैं तो मेरे को इस सेक्शन में सीट बड़ी कम होती हैं तो गैस करना बहुत टफ होता है, तो 40 नंबर तक अगर आप 40-48 तक पहुँच जाएंगे देन मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अगर आप इंटरनल हैं तो इंटरनल के लिए मैं समझता हूँ दोस्तों अगर आप 40 मार्क्स तक अगर आप पहुंच जाते हैं 40-42 तो मेरे ख्याल से आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आप क्वालिफाई बहुत ही 90%+ केस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अगर आप इंटरनल दोस्तों OBC हैं दोस्तों, अगर आप मे बी 37-40 बीच में अगर आप स्कोर करेंगे आपका आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप 90% केस में क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अगर आप इंटरनल दोस्तों हैं और आप ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप स्कोर करते हैं अराउंड 30+ भी अगर आपने स्कोर कर लिया इस पेपर के अंदर दोस्तों, मेरे ख्याल से आप 90% केस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 10% केस में थोड़ा ऊपर नीचे मामला हो सकता है। तो ये मेरा गैस था, अगर आप यहाँ जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% केस में आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा गैस पेपर से पहले मैंने बताया, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कितना स्कोर करना है, तो इतना स्कोर आप करने की ज़रूर ट्राई करें तो आप ज़रूर रेस में रहेंगे और काफ़ी आगे रहने के चांसेस भी आपके होंगे। तो ये था मेरा गैस, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।